हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? कभी कभी यह क्या होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ लोग या कुछ रिश्ते इस टाइप के होते हैं कि हम खुद ही अपने आप से सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये लोग जो हैं मेरी ज़िंदगी में क्यों आए हैं। क्योंकि ये लोग इतनी परेशानियां आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, इतनी एंडलेस आपको टॉर्चर्स देते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि चाहे वो इमोशनल टॉर्चर मान लीजिए, चाहे किसी भी टाइप का टॉर्चर मान लीजिए, तो ये लोग जो हैं आपको समझ नहीं आता कि ये लोग आपकी लाइफ में आए क्यों हैं। या फिर आपको समझ नहीं आता कि ये सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, केवल मेरे ही साथ इनका बिहेवियर जो है वो ऐसा क्यों है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, इनका भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये आपके ये सारे रिश्ते इस टाइप के जो आपको, जहाँ पे आप कंफ्यूजन में रहते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि आपको क्यों बेवजह से परेशान किया जा रहा है, तो ये जो रिश्ते होते हैं ये आपके कार्मिक रिलेशंस होते हैं। तो कार्मिक्स भी आपकी लाइफ में आते हैं, और कार्मिक्स हमेशा आपको लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका इनके साथ जो भी है कार्मिक डेब्ट्स, और वो क्लियर जब इन्होंने कर लिया और फिर ये चले गए आपकी लाइफ से, लेकिन फिर भी आप इनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि मान लीजिए आपको इन्हीं का बिहेवियर पसंद नहीं आया, लेकिन आपने जब लेट गो नहीं किया, आपने इन चीज़ों को रिलीज नहीं किया अपने अंदर से, तो बहुत पॉसिबिलिटी कि आप इसी टाइप के लोगों को बार बार फिर से मैनिफेस्ट करते रहोगे अपनी लाइफ में, और इसी तरह की चीज़ें आपके साथ बार बार होती हैं। तभी तो कई बार ऐसा होता है कि लोग शिकायत करते हैं कि मेरे ही साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, या इस टाइप के लोग पता नहीं मेरे साथ सब धोखा क्यों करते हैं, या मेरी ही लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं। ठीक है, तो ये लोग किसी भी रूप में हो सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, या फिर ये इवन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक रिश्ते के रूप में आते हैं ताकि वो आपका लेसन दे सकें। क्योंकि देखिए, कोई बाहर का होगा तो आप उससे कट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स जिनके साथ आपको रहना है, तो आप उनसे कट ऑफ होके कहाँ जाएंगे? आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड से बच के, आप अपनी वाइफ से बच के कहाँ जा पाएंगे? आपको साथ रहना आपकी मजबूरी होती है, जब तक कि उनका जो रोल है या उनका जो लेसन है वो अच्छी तरह से आपको समझा नहीं देते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी पर्सन को अपने लिए चूज किया था, ठीक है, लेकिन जब ही वो आपकी लाइफ में आया तो उसने केवल और केवल आपको परेशानियां ही दी। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनसे आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही मिली। तो ये चीज क्या करती है, आपको अंदर से इमोशनली पूरी तरह से हिला के रख देती है। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होता है, ऐसे टाइम पे आपको शिकायत नहीं करनी है, आपको उनके लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, इवन झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि झगड़ा तो इस चीज का बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। आपको क्या करना है, आपको समझना चाहिए कि इस टाइप के जो लोग हैं वो भी जो है ना लाइफ में आना बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि ये जो लोग होते हैं कार्मिक जो आपके होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको हमेशा एक लेसन दे जाते हैं। क्योंकि ये आपको बता देते हैं कि हाँ, हमें देखो और समझो कि जिंदगी में परिस्थितियां और लोग इस टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के भी लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ को इस तरह से हेल्प बना सकते हैं। तो आपको इस टाइप के लोगों से जो है बिवेयर रहना है, बच के रहना है। तो ये भी आपको एक टाइप के लेसन ही होते हैं, और इनको वैसे भी आपको अपने इम्प्रूवमेंट का साधन समझना चाहिए। क्योंकि जब भी आप इस जन्म में आए थे तो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने डिसाइड किया था। अगर आपके लाइफ में बार बार कार्मिक्स आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपने कहीं ना कहीं अपना जो सोल का असेंशन है वो करना डिसाइड किया था इस जन्म में। और अगर आपको ये अपनी सोल का इम्प्रूवमेंट करना है, तो ये मान के चलिए कि जो कार्मिक्स बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके लिए एक टेस्ट पेपर की तरह है, ठीक है। आपको टेस्ट आपका पेपर लेने के लिए ये आपकी लाइफ में बार बार आते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम जब भी आप अपनी सोल का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो ये एक समान से आपका पेपर होता है, ठीक है। जैसे आपका स्कूल कॉलेज में पेपर होता है, साल भर आपने पढ़ाई की और उसके बाद आपका पेपर होता है, एग्जाम होता है, पता लगता है कि आपने कहाँ क्या अचीव किया है, उसी टाइप से ये भी आपकी सोल डेवलपमेंट का एक समान से पेपर ही होता है, ठीक है। तो इनको आपको बल्कि अपना ऑपोजिट अपना दुश्मन ना समझ के इनको तो आपको अपना सहायक समझना चाहिए, ठीक है, इनको अपना हेल्पर समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको
हेल्प करते हैं, इनकी भूमिका को समझना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप गौर करोगे, जैसे आप बाहरी तौर पे देखते हो ना, तो आप झगड़े में पड़ जाते हो, आप स्ट्रगल में पड़ जाते हो, आप बजाय ये सोचने के कि ये लोग आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, या बजाय ये सोचने के कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, तो आपको बजाय ये सोचने के आपको थोड़ा अपने अंदर जाके झांकना चाहिए, उन चीजों को आपको मिला के देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके आने से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचा है। और इसके लिए बेस्ट साधन होता है कि आप जो है ना मेडिटेशन करिए, क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करोगे तो ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करने से कोई सिचुएशन बदल जाती है, या लोग ऑटोमेटिकली आपको छोड़ के चले जाएंगे, या आपको फिर कभी कार्मिक्स मिलेंगे ही नहीं। मेडिटेशन का मीनिंग ये नहीं है, इसलिए आपको सजेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आपका जो है लोगों को और चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है धीरे धीरे, और उनको हैंडल कैसे करना है उसका भी आपका वे भी चेंज हो जाता है। तो आपको किस टाइप से हैंडल करना है या किस टाइप से चीजों को देखना है वो आपको समझ आने लग जाता है। और मेडिटेशन से साथ ही साथ आपके सोल का असेंशन का प्रोसेस भी चलता रहता है, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको कार्मिक्स के लिए कभी भी कंप्लेन या इनके झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये श्योर होता है कि ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे, लेकिन वो तब जाते हैं जबकि इनका रोल खत्म हो जाता है। तो जब ही इनका रोल खत्म हो जाएगा, जितना इनका लिखा हुआ था आपकी लाइफ में कि आपको कितना लेसन देना है, तो उसके बाद ये अपने आप से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो इसलिए इनकी भी अपनी लाइफ में अहमियत समझनी है। और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि इनको आपको वेलकम करना है अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि आपको इनके लिए कंप्लेंट भी नहीं करना है। सो यही था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच।